और इसीलिए आज अभी पुलिस आप देख रहे हैं किस तरह से व्यक्ति के ऊपर जब हमारी उससे मुलाकात हुई वो पूरे हौसले के अंदर और हमने उसको विश्वास दिलाया ये लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और 100 हम ही जीतेंगे इस लड़ाई को और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। हमें डरा नहीं सकता, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये लड़ाई दस्तार की लड़ाई है, ककार की लड़ाई है। और तुम इस तरह से जाति कर रहे हो, आप देख रहे हैं क्या कोई आतंकवादी है? 20 दिन पुलिस वाले उसको पढ़ के ले जा रहे, कोई आतंकवादी है? अरे पैरामिलिट्री फोर्सेस का आदमी है जिसने जम्मू कश्मीर में देश के लिए लड़ाई लड़ी है और आज इस तरह से आप दलील कर रहे हैं उन लोगों को। मुझे शर्म आती है कहते हुए, ऐसे देश का कानून जिन लोगों ने बनाया था आज वो शर्म कर रहे होंगे। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इनजस्टिस किया जा रहा है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा रहा है और वो भी उस आदमी के साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ है, कानून की रक्षा करने वाला आदमी और फुल उसके पास ऑल इंडिया का लाइसेंस है, उसके बाद भी जाती पुलिस वाले का नाम दिया नहीं। अभी तो और मुलाकात होगी, अभी तो उसने आपने देखा है 10 मिनट की हमारी 2 मिनट बात हुई अंदर और उसके बाद उसको कोर्ट लेके हम देखते हैं क्या करते हैं आप।